नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं यूपी में भी पिछले 24 घंटे के दौरान 201 नए मामले सामने आए हैं। वहीं लगातार चौथे दिन है जब यूपी में कोरोना के नए मामले 200 से ज्यादा के सामने आए हैं। इससे पहले मंगलवार को 210, सोमवार को 213 और रविवार को 226 कोरोना के नए मामले सामने आए थे। खबर उन्नाव से है, जहां आईजी जोन लखनऊ लक्ष्मी सिंह ने उन्नाव एसपी दिनेश त्रिपाठी समेत जनपद के सीओ और थानेदारों के साथ बढ़ते क्राइम को लेकर मीटिंग की। वहीं मीटिंग के दौरान लक्ष्मी सिंह ने तीन थानेदारों को काम में लापरवाही के चलते फटकार लगाई और साथ ही अन्य थानेदारों को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में लोगों से संवाद बनाए रखने का भी निर्देश दिया है। आगे आईजी ने बताया कि सिटी सर्किल में लूट और हत्या की घटनाएं बढ़ी हैं, इस पर अंकुश लगाया जाए। वहीं जिले में नाकाबंदी का एक्शन प्लान भी तैयार किया जाए। क्राइम समीक्षा के दौरान ये पाया गया कि पिछले वर्ष के सापेक्ष इस वर्ष के प्रथम तीन माहों में नगरीय सर्किल में कतिपय हेडों में क्राइम बढ़ा हुआ था, जिसके लिए उनको सचेत किया गया है। तत्कालीन सीओ सिटी के खिलाफ दो मामलों में प्रारंभिक जांच के भी आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ सफीपुर का कुछ इलाका है जो डिस्टर्ब पाया गया था, और उसमें भी पुलिसिंग के पैरामीटर्स के अनुरूप कार्रवाइयाँ एनफोर्समेंट ड्राइव चलाते हुए विभिन्न निरोधात्मक कार्रवाइयों को अमलीजामा देते हुए अच्छी पुलिसिंग का एक संदेश दें, सख्त पुलिसिंग का एक संदेश दें, इस संबंध में निर्देशित सभी। खबर रायबरेली से है, जहां पुलिस अधीक्षक ने भारी पुलिस बल के साथ शहर कोतवाली क्षेत्र के घंटाघर से चलकर नेहरू नगर डिग्री कॉलेज चौराहा क्षेत्रों में पैदल मार्च किया। इस मार्च के दौरान पुलिस ने संदिग्ध वाहनों और लोगों की भी चेकिंग की, साथ ही जेल रोड के मॉडल शॉप की भी पड़ताल सीओ सिटी वंदना सिंह ने की। इस दौरान सेल्समैन के पास लाइसेंस नहीं मिलने पर सीओ सिटी ने शराब की दुकान को बंद कराया, जिससे शराब विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। मैम, किस चीज़ की चेकिंग चल रही है? आप लोग पैदल मार्च कर रहे हैं, क्या कारण है इसके? ये पेट्रोलिंग तो शासन की निर्देशानुसार नियमित रूप से चली रही है, और इस समय तीन अभियान चल रहे हैं। जो एक तो आबकारी की दुकानों की चेकिंग का अभियान चल रहा है, और जो हमारा नॉइस पोल्यूशन है उसको नियंत्रित करने के लिए जगह जगह जो लाउड स्पीकर्स हैं उनकी चेकिंग का अभियान चल रहा है। इन सभी अभियानों के तहत ये पैदल मार्च हो रहा है। जो भी रास्ते में हमको ऐसे स्थान दिखाई पड़ रहे हैं, वहाँ चेकिंग की जा रही है। अभी मॉडल साहब की चेकिंग किया, क्या रहा यहाँ पे? ये अभी यद्यपि ये बता रहे हैं कि इनका लाइसेंस हो चुका है, किंतु ये दिखाने में असमर्थ रहे, तो इसलिए अभी दुकान बंद कराई जा रही है इनकी। जब तक लाइसेंस नहीं होगा, ऑथराइज्ड सेल्समैन कौन है, चौहद्दी क्या है, इसके बिना दुकान नहीं होगी। रायबरेली में पहली बार 18 साल से 50 वर्ष तक की महिलाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, जिसके लिए 8 मई को मिस एंड मिसेस 2022 प्रतियोगिता का पहला ऑडिशन होगा, जबकि इसका फाइनल ऑडिशन 29 मई को होगा। जिसकी जानकारी देते हुए जेसिरेंट विंग चेयरपर्सन डॉक्टर आकांक्षा गोगना ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ सबस्टेंट 2021 में हिस्सा लेने के बाद उन्होंने मिसेस एलिगेंट का पुरस्कार हासिल किया, और अपनी सफलता से प्रेरित होकर ही उन्होंने रायबरेली की महिलाओं को अपना टैलेंट दिखाने के लिए बड़ा मंच देने का फैसला किया है। रायबरेली में मैं डॉक्टर कांचा गुप्ता, एक डिप्टी पेशेंट लेडी
18 साल से 50 साल की लेडीज, लड़कियां और महिलाएं। चंदौली के सदर कोतवाली क्षेत्र मुख्यालय के एक निजी लॉन में शादी समारोह में पहुंचे ग्राम प्रधान रामा यादव को कुछ लोगों ने हॉकी और डंडे से जमकर पीटा, जिसके बाद प्रधान को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने प्रधान की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। वह इस पूरे मामले पर सदर कोतवाली पुलिस ने बताया कि मामले को लेकर FIR दर्ज हो चुकी है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हम लोग साथ में मतलब एक निमंत्रण में आए थे बटुआ की घरात आई थी यहाँ पे चंदौली धर्म स्नान में और वहाँ पे हम लोग निमंत्रण में आए थे। खाना वाना खाकर हम लोग सब घर के लिए निकल रहे थे तो लांग से करीब 500 मीटर दूरी पे मतलब विपक्षी लोग कुछ लोग थे, 4-5 लोग वो घाट लगा कर बैठे थे हम लोग के इंतजार में कि जैसे ही लोग निकलेंगे वैसे ही लाठी डंडा और हाथी लेकर तैनात थे। हम लोग गली में गए, ड्राइवर को बोला गया कि गाड़ी बैठ कर चलाओ, हम लोग रोड पर खड़े होकर बात कर रहे थे उसी दौरान भी रामपुर में अधिकारियों द्वारा रिश्वत मांगने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब ताजा मामला थानागंज क्षेत्र से सामने आया है, जहां सदर तहसील में तैनात एक लेखपाल को 4000 की रिश्वत मांगना भारी पड़ गया। लेखपाल दाखिल खारिज कराने के नाम पर आवेदक से 4000 रुपए की मांग कर रहा था, जिसे आज एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों दबोच लिया। इससे पहले 3 दिन पहले ही आयुक्त स्तर के Level 2 अधिकारी को बरेली की विजिलेंस टीम ने भी रंगे हाथों दबोचा था। रामपुर के थानागंज क्षेत्र में ग्राम पंचायत भैपुरा का रहने वाला पप्पू सिंह ने जमीन की खरीद फरोख्त की थी, जिसके चलते उसे दाखिल खारिज कराना था। इस दाखिल खारिज कराने को लेकर हलके में तैनात लेखपाल अजय पाल ने दाखिल खारिज करने के एवज में 4000 की मांग की थी। वही पीड़ित द्वारा काफी मन्नतें करने के बाद भी वो नहीं माना। आखिरकार पीड़ित पप्पू सिंह ने एंटी करप्शन टीम मुरादाबाद का सहारा लिया। खबर फरुखाबाद से है, जहां बस स्टेशन पर भिखारी के साथ मारपीट कर रहे निजी सुरक्षा कर्मी को मना करना एक अधिवक्ता को भारी पड़ गया। अधिवक्ता का आरोप है कि पिटाई का विरोध करने पर निजी सुरक्षा कर्मी और रोडवेज के एक कर्मचारी शिव कुमार दुबे ने उसके साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान उसकी जेब से करीब 5000 रुपए भी गायब हो गए। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम एडवोकेट दीपक सिंह है, मैं दिल्ली हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, आप फरुखाबाद सदर कोतवाली में है, क्या मामला हो गया? एक्चुअली मैं यहाँ पे आया था अपने क्लाइंट्स के 2 डेट्स हैं, 2 केसेज हैं उनके लिए। तो आज मेरा जो केस था कायमगंज तहसील कोर्ट में था, तो वहाँ से आने के बाद मेरी बुकिंग थी बस में। मैं क्या था कि बस स्टैंड पर वेट कर रहा था, तो वहाँ पर मैंने सुना आवाज़, आराम कर रहा था मैं आँख बंद करके थोड़ा सा, क्योंकि 8:30 की बस थी मेरी, तो मैंने आवाज़ सुनी महिला की कि बचाओ बचाओ और क्यों आप इसे मार रहे हो ऐसे जोर जोर से। तो मेरी आँख खुली, मैं उसके पास गया, मैंने क्या बात हुई तो देखा कि एक प्राइवेट गार्ड है बस स्टैंड पर पोस्टेड है, उसने डंडे से जो है एक भिखारी जस्ट इंटरफेयर किया। मैंने कहा ये मत करो, गलत चीज़ है। कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र के परमट घाट पर मौज मस्ती के लिए आए 4 दोस्त अचानक नदी में डूबने लगे। वहीं मौके पर मौजूद नाविकों ने चारों को डूबता देखकर 2 को किसी तरह बचाकर बाहर निकाला, लेकिन 2 नहीं मिल सके, जिसकी सूचना मौके पर मौजूद लोगों ने ग्वालटोली थाना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से डूबे हुए बच्चों की तलाश शुरू कर दी, जबकि 4 घंटे की लंबी तलाश के बाद पुलिस ने एक बच्चे के शव को बरामद कर लिया। वहीं दूसरा बच्चा अभी तक लापता है। मतलब हम लोग भैया परमट दर्शन करने आए थे, 4 दोस्त आए थे, हम थे संदीप थे, भारत था, अभिषेक था, ऋषभ सिंह था, ठीक है। चारों लोग आए पनडुब्बे से, हम लोगों ने नाव वाले से कहा कि भैया जहाँ गहराई ना हो वहाँ उतारिएगा, लेकिन उसने ऐसी जगह उतार दिया कि वहाँ से 100 कदम पे गड्ढा था जहाँ गहराई थी ज़्यादा,
वहाँ पर उतार दिया। उसी में हम लोग थोड़ी देर नहाते रहे, 10-15 मिनट नहाते रहे, पर जब आने टाइम हुआ तो दो दोस्त मेरे कह रहे थोड़ा 5 मिनट और नहा ले फिर चलते हैं। तो वो दोनों 5 मिनट नहाते नहाते पता नहीं क्या वो उधर चले गए, वो गड्ढे में एक का पैर फिसला, जैसे एक का पैर फिसला तो दूसरा जो साथ में था उसने उसका हाथ पकड़ने चला तो थोड़ा वो पीछे चला गया, तो वो भी अंदर चला गया। और जैसे वो दोनों अंदर चले गए तो एक दोस्त और था भारत, वो भी बचाने के लिए गया तो वो भी कूद गया, तो भी चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद तीनों जैसे जाने लगे हम थोड़ा दूर पे थे, फिर हम भी जाने लगे, जैसे हम गए तो हम भी डूब गए थे। लेकिन उतने में एक पता नहीं उधर से कोई भाई आया था तो उसने हमको और भारत को बाहर निकाल लिया दोनों को, और वो दोनों भाइयों का नहीं पता। अब से एक डूब गया और ऋषभ सिंह डूब गया, नहीं मिले अभी। ये चार लड़के बारा देवी से आए थे, इसमें ऋषभ, अभिषेक और दो उनके और मित्र थे। ये चारों आदमी नाव के साथ बीच में नहाने गए, जिसमें से उतर करके नहा रहे थे, जिसमें अभिषेक और ऋषभ दो डूब गए और दो बच करके निकल आए। इनकी इसमें से अभिषेक मिल गया, डेड बॉडी मिल गई है, ऋषभ की तलाश चल रही है। बहराइच के LRP कॉलोनी के तारकोल डंपिंग यार्ड में अज्ञात कारणों से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और धुएं का गुबार पूरे शहर में फैलता हुआ नजर आने लगा, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वही मौके पर मौजूद जेई ने बताया कि किसी ने सिगरेट या बीड़ी पीकर यहां पर फेंकी थी, जिसके कारण ये आग लगी है। लेकिन ऐसे में विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई, क्योंकि मौके पर किसी भी तरह का अग्निशमन उपकरण मौजूद नहीं था। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।